डलहौसी के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। देखिए वैसे तो डलहौसी में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ इस शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ग्राहकों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो लोग यहाँ से सामान लेना पसंद करते हैं। तो आज हम एक ख़ास शख्सियत से बात करेंगे जो यहाँ के मालिक हैं, संजीव चोपड़ा जी, और उनसे पूछेंगे कि क्यों उनकी शॉप को लोग इतना महत्व देते हैं, इतना पसंद करते हैं और इतना प्यार देते हैं। संजीव जी बताइए इस शॉप के बारे में, इस शॉप की शुरुआत और कब से ये सब हो रहा है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने तो अपने दो शब्द रख सकूं। ये लिमटन जो दुकान है ये 123 साल पुरानी दुकान है, 123 इयर्स, सेम नेम सेम बोर्ड। ये किसने शुरू की कितने साल पहले ये मेरे नॉलेज में नहीं है, पर जितना दूर मैं जानता हूँ हमारी 3-4 पीढ़ियाँ तो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग पहले घड़ियों का काम करते थे, उसके बाद मोबाइल का आविष्कार हुआ तो हम मोबाइल में आए और मोटा मोटी 25-30 साल हो गए हमें मोबाइल्स में। हमने अपने ब्रांचेस भी खोले हैं और हमारे सक्सेस का राज यही है कि हम लोग एकदम कांस्टेंट हैं, हम लोग एकदम स्थिर हैं, हम लोग अपना नाम साइन बोर्ड चेंज नहीं करते। संजीव जी ज़रा मुझे ये बताइए कि मतलब मोबाइल्स के अलावा और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप लोग अवेलेबल है शोरूम में? हम लोग मोबाइल्स के अलावा स्पीकर्स रखते हैं, लैपटॉप्स रखते हैं, एक्सेसरीज रखते हैं, किंतु मेजर फोकस हमारा भी मोबाइल्स पे ही है। अच्छा, और ये मुझे बताइए कि और कहाँ कहाँ मतलब डलहौसी के अलावा और कहाँ कहाँ आपका ये जो शोरूम्स है लिमटन, कहाँ कहाँ शोरूम्स है आपका? हमारे शोरूम्स, एक एप्पल का हमारा स्टोर है सॉल्ट लेक सिटी सेंटर वन में, एक हमारा वन प्लस का स्टोर है क्वेस्ट मॉल में, और यहाँ पे हमारे दो स्टोर्स हैं, एक मल्टीब्रांड आउटलेट है, एक एप्पल का स्टोर है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी है हमारे पास में। हम लोग वन प्लस ब्रांड के फ़ोन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग मोटोरोला फ़ोन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इम्पोर्टेंटली हमारे एक और नया स्टोर है जो ऑनलाइन स्टोर है, जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, वी आर प्रेजेंट इन ऑनलाइन ऑल्सो। लोगों का ये भी कहना है कि क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि जो भी वो सामान यहाँ से लेकर के जाते हैं, तो क्या कुछ खासा ध्यान रखते हैं आप क्वालिटीज़ का? क्वालिटीज़ देखिए, हम प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, क्वालिटीज़ तो ब्रांड बनाती है। हम लोग ये एश्योर करते हैं कि हम लोग कोई इन्फीरियर क्वालिटी का बना हुआ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम किसी को कोई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करने देते। कई लोग होते हैं जो EOL माने एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट में ज़्यादा कमाई होती है, वो पुश करके कस्टमर को बेच देते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं होता। हम लोग बिल्कुल फेयर प्रैक्टिस में हैं और अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को हम सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट बेचते हैं एट बेस्ट प्राइसेस। संजीव जी जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारे जगह शोरूम्स अवेलेबल है, क्वेस्ट मॉल जैसे बड़े मॉल में भी आपका एक शोरूम है, तो और भविष्य में कहाँ कहाँ आप लोग शोरूम्स खोलने की सोच रहे हैं? हमारे प्लान में एक 100 शोरूम का चेन खोलने का हमारा प्लान है, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टोर्स, लेकिन वो हमारा ओन स्टोर्स नहीं होंगे, वी विल बी पार्टनरिंग विथ पीपल टू ओपन अ चेन ऑफ 100 स्टोर्स।
और देखिए क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे शॉप्स हैं, लेकिन ऐसा शॉप में क्या है कि लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्या विशेष है ग्राहकों के लिए? देखिए ग्राहकों को एक तो यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है, एश्योरेंस मिलता है कि इनका प्रोडक्ट बेस्ट होगा। आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम सर्विस सेंटर तो खोलते नहीं हैं, लेकिन हम पूरा सपोर्ट देते हैं अपने ग्राहकों को कि उनको पूरी सर्विस प्रॉपरली मिले, न मिले तो इंटरवीन करके ब्रांड से झगड़ा करके उनको सर्विस दिलाते हैं। कस्टमर को बेस्ट प्राइस मिलता है, बेस्ट बिहेवियर मिलता है और लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। जी अभी मैंने देखा कि आपके सुपुत्र भी यहीं मौजूद थे, तो आपका इस कार्य में आपके सुपुत्र ने कितना सहयोग किया है? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए जनरेशन्स का फ़ायदा तो होता है, मेरा सोच, मेरा जो तरीका है काम करने का और मेरे बेटे का जो तरीका है काम करने का वो काफ़ी अलग है। मेरा सोच है कि भाई ग्राहक को अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सामान दो, रिजनेबल दाम में सामान बेचो, ग्राहक के साथ चीटिंग ना हो, दुकानदारी चलती है। मेरा बेटा बोलता है ये तो सब ठीक है सर, लेकिन इसके साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, फेसबुक प्रेजेंस चाहिए, इंस्टाग्राम में प्रेजेंस चाहिए, अपनी वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेशन होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए। तो हमारा एक्सपीरियंस और उसका जो नया सोच है, इसका एक कम्बिनेशन ही हमारी कामयाबी का राज है। देखिए संजीव जी, ये तो कहा ही जाता है कि हर प्रसिद्ध आदमी के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है, तो ज़रा बताइए कि आपके पीछे कौन है वो इंसान? मेरे पीछे एक औरत का नहीं, दो औरतों का हाथ है। पहली है मेरी माँ। मेरे पिताजी के जल्दी कम उम्र में देहांत हो जाने पर मेरी माँ ने हमको, जब मैं क्लास 10 में था तो वो हमारे साथ शोर आती भी थी और हमें काम सिखाया भी। और अब है मेरी वाइफ जो हर रोज़ सवेरे मुस्कुरा के हमें काम पे जाने को भेजती है, तो वो एक एनर्जी का सोर्स है। तो मेरे कामयाबी के विषय दोनों औरतों का हाथ है। जी संजीव जी से हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन आखिरकार जानते हैं कि संजीव जी हमारे युवा शक्ति के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं और क्या उनसे कहना चाहते हैं? युवा शक्ति के माध्यम से मैं ये आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। समय चेंज होता है, युग चेंज होता है, परिस्थितियाँ चेंज होती है, उसको अडॉप्ट करना, उसके साथ चलने वाला ही जीतता है। कोविड के टाइम में हमने अपने काम करने का तरीका चेंज किया, आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो हम अपने काम का तरीका चेंज कर रहे हैं। तो अपने आप को जितना जल्दी, जितना तीव्रता से, जितना अच्छी तरीके से चेंज कर सकें, चेंज को अडॉप्ट कर सकें, करना चाहिए। मैं अभी नीचे से ऊपर आ रही थी तो मैंने देखा मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव किया गया यहाँ पर, बहुत ही वेल मैनर तरीके से सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, और ये दुकान डलहौसी में ही है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ आएँ और यहाँ से सामान कुछ लें। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।